ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर एनवायरनमेंट में व्हाट इज द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी एक सिस्टम में जो हम रहते हैं हमारी लाइफ सपोर्ट करती है, दैट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। सो दिस टाइम टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। आपको पता है कि एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमंस उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है, इंटरेक्ट करता है और फिर अपने आपको सेटिस्फाई करता है। तो एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी ह्यूमन के द्वारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे वाटर हमारे लिए फ्री रिसोर्सेज है एंड नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन जब वाटर को हमें लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, या तो रिवर के पास जाना पड़ेगा या पॉन्ड, या फिर हम अंडरग्राउंड वाटर के लिए बोरवेल लगाना पड़ेगा। तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमंस को जो भी एफर्ट लगाने होंगे और जो भी चेंजेस करने होंगे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन उनको चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट को न्यू वेज यूज करता है। तो देखेंगे वो वेज यूज करने के बाद कौन कौन से वेज उसने स्टार्ट किए। स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। आपको पता है जो अर्ली ह्यूमंस होते थे उनकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल नहीं होती थी, लेकिन मॉडर्न जो ह्यूमन है उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस किए और ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। अर्ली ह्यूमन क्या होता था, कहीं भी रह लेता था, घास फूस खा लेता था, कंदमूल फल खा लेता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, नीड बढ़ी, तो ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट किया कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड पालना शुरू किया और उसे जो भी मिलता था उसको अपने यूज में लाना स्टार्ट किया। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। सेटल लाइफ मीन्स जब उसने पहले वो बारिश सर्दी गर्मी बरसात सहता रहता था, लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, उसने क्या किया कि जब उसने देखा कि हमारे पास क्रॉप तो है, ऑलरेडी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, और उसने उस क्रॉप को स्टोर करना भी स्टार्ट किया, फिर उसने क्या किया अपने आप को एक सेटल परमानेंट हाउस बनाना स्टार्ट किया। प्राइमरी हाउस कैसे थे कि केव्स होती थी, लॉयंस को उसने मार के भगा दिया और केव्स में रहना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसे लगा कि हमारी नीड और बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जो हमारा अभी मॉडर्न ह्यूमन है उसने क्या किया, बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। बिल्डिंग्स बनाने के बाद जब उसे नीड हुआ कि नहीं हमें तो नदी के उस पार भी जाना है, तो नीड बढ़ी, तो उसके लिए उसने ब्रिज बनाना भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो जो चेंजेस हुए हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील, प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड एक्सेट्रा। इस समय अर्ली ह्यूमंस में जो मॉडर्न ह्यूमंस के में बीच में जो चेंजेस आए हैं, कैसे आए, इन्वेंशन ऑफ व्हील। सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेंशन ऑफ व्हील किया, प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड, यानी अपने लिए ज्यादा खाना स्टोर करना स्टार्ट किया। नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव व्हाट एवर वी वॉन्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है आजकल जो चाहता है वो अपने आप को हासिल कर लेता है एनवायरनमेंट से, बट उसके बाद भी ह्यूमंस को क्या ध्यान रखना है कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एनवायरनमेंट का एक हार्मोनियस वे में यूज करना है, ताकि हम अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज सस्टेनेबल हो सके, उसके लिए फ्यूचर में रिसोर्सेज सेव रह सके। और अभी आप कंडीशन देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ सुनने में आ रहा है कि पॉल्यूशन इतना सारा बढ़ गया था, वो सब रिड्यूस हो गया है, तो इसके लिए ह्यूमंस को सबसे पहले एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे में यूज करना सीखना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, और उस ह्यूमन एनवायरनमेंट के थ्रू जो चेंजेस आए थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर में आपके जो भी डाउट है आप स्कूल नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके बाद। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी एक सिस्टम में जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं एनवायरमेंट में एक साथ, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पॉन्ड हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है। पॉन्ड इज अ नेचुरल इको सिस्टम एंड एक्वेरियम इज मैनमेड इको सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं,
आंसर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंटेनिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी उस नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है, हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंटेनिंग होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। यानी बायोटिक नेचुरल थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, इन सबको मिलाकर के हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ कंटेंट जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट्स के मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। द मेजर आंसर इज द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। आपको पता है कि कॉम्पोनेंट मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से होते हैं, फिर उसमें पार्ट में आपको एक ट्राइंगल के थ्रू समझाया था। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट में नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इस सब में जो ह्यूमन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंट्रेक्शन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो ह्यूमन ही करता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। सो मेजर कॉम्पोनेंट है एनवायरनमेंट के नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ह्यूमन जो भी फेनोमेना बनाता है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं, यानी ह्यूमन से जो जो चीजें क्रिएट की है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ वो आपको बताना है। जैसे उसने बनाई है बिल्डिंग्स बनाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के आपको 4 एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स, सो मेनी एज यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द बिग एंड स्मॉल लैंड मासेस। यानी जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, उसकी आउटर लेयर यानी सबसे ऊपरी परत क्या है, हमारी लिथोस्फीयर है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी बिग और स्मॉल लैंड मासेस है वो इसमें इंक्लूड है। यानी जितनी भी छोटी बड़ी लैंड मासेस है यहाँ पे सतह वो सब इसमें इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। बायोटिक एनवायरमेंट के मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर है द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हमारे बायोटिक एनवायरमेंट के मेजर कॉम्पोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द इंटरेक्टिव जोन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स। यानी बायोस्फीयर का मतलब है कि हमारा जितना भी लैंड, वाटर और एयर के बीच में इंटरेक्टिव थिंग्स है, इंटरेक्टिव जोन है, जहां पे हम ये चीजें इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, लैंड, वाटर एंड एयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर एंड इट सपोर्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स। और ये जो सपोर्ट करता है जितनी भी लिविंग थिंग्स है हमारी, उन सबको सपोर्ट करता है बायोस्फीयर। सो ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर हैज बीन डन, यू कैन नोट डाउन योर नोटबुक।